गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 11th ऑफ जून और डे है फ्राइडे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में जो वो मल्टीप्लिकेशन ही है, मल्टीप्लिकेशन बाय टू डिजिट नंबर। देखिए 3.1 एक्सरसाइज में जो वो हमने मल्टीप्लिकेशन बाय वन डिजिट नंबर देखा था, जैसे कि 32 मल्टीप्लाई बाई 3। ये जो 3 है ये एक ही डिजिट है। जैसे कोई बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन था जैसे 4, 5, 6, 9, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। यहाँ पे जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है वो एक ही डिजिट था, ठीक है, एक ही डिजिट से किया आपने 3.1 एक्सरसाइज में, बहुत ही इजी था, ठीक है। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में मल्टीप्लिकेशन बाई टू डिजिट नंबर। अब आपके पास यहाँ पे 4 की जगह जो वो टू डिजिट के नंबर होंगे, जैसे 28 होगा, जैसे 49 होगा, 35 होगा, ठीक है। तो आज आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप करिए 1 to 5, ठीक है, 1 to 5 तक आप इसको कंप्लीट करिए। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख लेता हूँ इसको। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जो लिखा है, चलिए 3, 4, ठीक है, 3, 4 और आगे लिखा है 2, 6, 3, 4, 2, 6। अच्छा आपने, सॉरी व्हाइट बोर्ड, ठीक है, आपने जो वो कैसे लिखना है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे थोड़ा सा स्पेस देकर के लिखना है जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस देकर। जैसे मैंने 3 लिखा, फिर 3 के बाद 4 है, थोड़ा सा स्पेस देकर 3, 4, फिर 2, फिर 6, ऐसे थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर के लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। मल्टीप्लाई करना है 28 के साथ, 8 जो वो यहाँ पे वंस डिजिट के नीचे वंस डिजिट, फिर 10 के नीचे 10, 2 ही है, 28 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि इस 8 की मल्टीप्लाई जो वो सबके साथ करनी है, ठीक है, 8 की मल्टीप्लाई जो वो देखिए इस 6 के साथ भी करनी है, इस 2 के साथ भी करनी है, इस 4 के साथ करनी है और इस 3 के साथ करनी है, सभी के साथ जो वो इसकी मल्टीप्लाई करनी है, जो भी कैरी होती जाएगी उसको आगे फॉरवर्ड करते चलना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसे 8, 6 का कितना होता है, 8, 6 जो होता है 48 होता है, ठीक है, 48 होता है, तो 8 आ गया यहाँ पे, 4 कह रही है, इसको आप दिमाग में ही अपने ब्रेन में ही याद रखिए। जैसे 4 कह रही है, ठीक है, 8, 2 जा कितना होता है, 16 होता है, 16 और 4 कितना हो गया, 8, 2 जा जो वो 16 होता है, 16 और 4 कितना हो गया, 20 हो गया, 20 का 0 यहाँ पे लगा लिया मैंने, 0। अब 2 जो वो कह रही है, फिर से याद रखिए, अब 8, 4 जा कितना होता है, 8, 4 जा जो वो 32 होता है, 32 और 2 कितना हो गया, 2 कह रही थी 34 हो गया, तो 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ध्यान रहे डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए, जैसे फर्स्ट यहाँ पे आ गया, जैसे फर्स्ट जो वो यहाँ पे इसके नीचे ऐसे आ गया, फिर इसके नीचे ये वाला आ गया, फिर इसके नीचे, ठीक है, ऐसे जो वो आपका क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम लोग कर रहे थे 3 जो वो 8, 4 जा 32 हो रहा था, 2 कह रही थी 34 लिख लिया, फिर अब जो वो 4 लिख लिया हमने, 3 कैरी बच गई, तो 8, 3 जा कितना होता है, 8, 3 जा कितना होता है 24, तो 24 में 3 प्लस करेंगे, 24 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, तो 27, 2 यहाँ पे लिखा, 7 यहाँ पे लिख लिया। फिर आपने क्या करना है, फिर जो वो आपने यहाँ पे जो वो प्लस का सिंबल लगाना है, अब देखिए क्या करना है, अब जो वो नेक्स्ट वाला 2 कौन सा है, नेक्स्ट वाला है यहाँ पे ए वाला 2, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसकी और फिर इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो 2 के साथ, लेकिन याद रखिए जब भी आप दूसरे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस लगा लेते हैं। इस क्रॉस का मतलब है, या तो आप क्रॉस लगाइए या तो 0 लगाइए, एक ही बात है, इस क्रॉस का मतलब 0 ही है। तो अगर आप चाहते हैं कि 0 लगानी है तो 0 भी लगा सकते हैं, लेकिन क्रॉस जो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि क्रॉस हमने लगाना है यहाँ पे। क्रॉस का मतलब कुछ भी नहीं है, क्रॉस का मतलब जो वो 0 है, जब आप ऐड करोगे तो क्रॉस 0 ही है। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2, 6 जा 12 होता है, तो 2 यहाँ पे लिख लिया, 1 कैरी है, 2, 2 जा 4 हो गया, 5 आ जाएगा, 4, 2 जा 8 हो गया, कोई कैरी नहीं थी, 3, 2 जा 6 हो गया, ठीक है। अब इनको प्लस करना है, अब इनको जो प्लस करना है, 8 का 8 आ जाएगा, 0 प्लस 2 2 आ जाएगा, 5 और 4 9 आ जाएगा, 7 और 8 हो जाएगा 15, 15 और ये 1 कैरी आगे फॉरवर्ड होगी, 6 और 2 हो गया 8, 8 और 1 हो गया 9, तो ए हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। ऐसे आपने सभी क्वेश्चन करने हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी 2-3 क्वेश्चन जो वो आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा।
तो आज आपने जो वो फर्स्ट 5 क्वेश्चन करी है, कल आपकी लाइव क्लास भी नहीं होगी, तो आप कल जो वो नेक्स्ट के 10 क्वेश्चन जो वो मतलब कि 6 to 10 जो वो कल कर लेना। ओके, तो यहाँ पे जो वो फर्स्ट और शायद 5th क्वेश्चन जो वो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं कैसे कैसे किया है, फिर वैसे ही आपने सभी क्वेश्चन जो वो करने हैं। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल जो वो आपकी 3.2 एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।